तो बस आज से कुछ घंटे बाद होने जा रहा है Hell in a Cell 2022 and I'm damn freaking excited. So hello everyone and welcome back to new video. एकदम सही सुन रहे हो, बस आज से कुछ घंटे बाद यानी कि कल सुबह हम लोग देख पाएंगे Hell in a Cell 2022 का प्रीमियम लाइव इवेंट. बस करीबन 20 घंटे के आसपास कुछ समय वो रह गया बाकी. और कल होने वाला है कोडी रोड वर्सेस थ्रॉल इसका चैप्टर 3. कल होने वाले और भी काफी सारे कमाल के मैच. और ऑफकोर्स अगर Hell in a Cell से पहले कुछ वीडियो आ रही है तो समझ सकते हो ना कौन सी वीडियो है. ये होगी माई रिजल्ट प्रेडिक्शन फॉर Hell in a Cell 2022. सो विदाउट wasting any time, let's begin this video. बात करें पहले मैच के बारे में. इस बार होने वाला no holds barred मैच क्योंकि Madcap Moss का सामना होगा Happy Corbin के साथ में. और ये जो मैच हो WWE ने recent SmackDown के शो में कंफर्म किया. अगर बात करूं SmackDown के मैच कार्ड के बारे में तो भैया Hell in a Cell के अंदर पहले तो लापता से ही थे लेकिन WWE फाइनली ये वाला मैच ऑफिशियल करती हुई नजर आती है SmackDown से. इस बार no holds barred मैच होने वाला है इसलिए मेरे हिसाब से इस मैच में ज्यादा कुछ बकबक करने के लिए है नहीं, एक इजी पिक रहेगी. और Madcap Moss हमें इस मैच में फाइनली Happy Corbin को हरा के अपना फ्यूड एंड करते हुए नजर आएंगे. एक शो पर इंटरेस्टिंग चैंपियनशिप का मैच भी होगा मंडे नाइट रॉ की तरफ से. ये होगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच क्योंकि थ्योरी को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा मुस्तफा अली के खिलाफ. जब से अली वापस आए WWE में कहीं देखा जाए तो भाई उन्हें एज बेबी फेस एक अच्छा खासा बुक किया जा रहा है. और फाइनली थ्योरी के खिलाफ उन्हें एक प्रीमियम लाइव इवेंट में. और जिन लोगों को नहीं पता है शिकागो जहां पे हो रहा है हमारा Hell in a Cell वो अली का होम टाउन है यानी कहीं ना कहीं ऑल स्टेट एरिना के अंदर अली को एक तरह का पुश मिलने वाला है या फिर आप कह सकते एक तरह का मोमेंटम मिलने वाला है क्योंकि क्राउड उन्हें एक तगड़े वे में सपोर्ट करने वाली है. इसलिए कहीं ना कहीं ये जो मैच है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. इस मैच के विनर को लेकर मैं सीरियसली काफी कंफ्यूज हूँ कि थ्योरी जीतेंगे या फिर अली क्योंकि अली का चांस लगता है जिस तरीके से मैच एंड हुआ मंडे नाइट रॉ में. और भाई WWE ने क्लीन वाला मैच कंफर्म किया. ज्यादा जब ये सीन होता है तब हमें न्यू चैंपियन क्राउन होता हुआ नजर आता है लेकिन फिर भी इस मैच में मैं जाऊंगा थ्योरी के साथ में. और मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों WWE ऑल स्टेट अरीना में शिकागो की क्राउड को करेगी डिसअपॉइंट और थ्योरी मुस्तफा अली को एक ब्लॉकबस्टर मैच में हराते हुए नजर आएंगे. बाकी देखते हैं भाई कौन जीता लेकिन मेरी पिक इस मैच में फॉर श्योर थ्योरी रहेंगे. एक और कमाल का मैच होने वाला क्योंकि ये होगा मिक्स सिक्स मैन टैग टीम एक्शन. द फिनोमिनल वन एज स्टार्स द डीमन किंग फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन का आमना सामना होगा द जजमेंट डे के साथ जिसमें होंगे एज डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ले. ये जो मैच है वो फॉर श्योर एक एब्सोल्यूट बैंगर मैच होने वाला है. भाई WWE ने जिस तरीके से स्टोरी बिल्ड की है और ऊपर से बुलेट क्लब साथ में आई बुलेट क्लब के साथ में लिव मॉर्गन आ चुके हैं जजमेंट डे के सामने तो कहीं ना कहीं मजा डबल ट्रिपल आने वाला है. लेकिन अगर मैं इस मैच के विनर के बारे में बात करूं तो इस मैच के अंदर सीरियसली बताऊं तो विनर प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. लगातार एज की विक्ट्री हुई है एज स्टाइल्स के पूरे फ्यूड के खिलाफ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा है कि जो एज स्टाइल्स है उनकी विक्ट्री होगी. लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिमाग में यह ख्याल भी आ रहा है कि हो सकता है जो जजमेंट डे का एक और मेंबर यानी कि जो फोर्थ मेंबर है वो यहां पर फाइनली रिवील होता हुआ नजर आ जो कि एज एक लंबे टाइम से टीज कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल मैच है और Hell in a Cell का पूरा मैच कार्ड देखा जाए ऑलमोस्ट अनप्रेडिक्टेबल ही है. लेकिन फिर भी इस मैच के अंदर मैं जाना चाहूंगा जजमेंट डे के साथ में. अब मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं लेकिन यस मेरी जो पिक रहेगी वो जजमेंट डे रहेगी. और मेरे हिसाब से एक बार फिर से जजमेंट डे के हाथ में विक्ट्री आएगी बुलेट क्लब और लिव मॉर्गन के खिलाफ. शो पर एक और मैच होने वाला है क्योंकि एग्जैक्टली यानी कि अलास के यंगर ब्रदर का आमना सामना होगा द प्राइस फाइटर केविन ओवेंस के साथ में. फाइनली Hell in a Cell वो जगह होने वाली जहां पर केविन ओवेंस के पास मौका है प्रूव करने का ये अलास है ना कि एग्जैक्टली बस दाढ़ी क्लीन ट्रिम कर ली है और वे बता रहे बंदा चेंज हो चुका है. केविन ओवेंस भैया फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं. मेरे हिसाब से जो मैच है वो एक देखने लाइक मैच होने वाला है. जिस तरीके से इजैकल को WWE बुक कर रही है वो सीरियसली काफी ज्यादा कमाल का है. लेकिन अगर मैच के विनर के बारे में बात करूं तो मैच के विनर में मैं इजैकल के साथ जाना चाहूंगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इजैकल है वो फाइनली केविन ओवेंस को हराएंगे और अपना फ्यूड उनके साथ में एंड करते हुए नजर आएंगे और जरूरी इजैकल के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी. शो पर एक हैंडीकैप एक्शन भी होने वाला है क्योंकि बॉबी लैशली का आमना सामना होगा ओमास एंड MVP के साथ में. अब यहां पर भाई MVP को चूज करने का मौका मिला स्टिपुलेशन तो उन्होंने चूज किया. एक हैंडीकैप मैच होने वाला है. अब देखा जाए एक तरह की जो सिचुएशन है हैंडीकैप वाली एक तरह की फेवर भी कर सकती है ओमास और MVP को और उनके अगेंस्ट भी जा सकती है. अगेंस्ट इस तरीके से मान लो भैया बॉबी लैशली ओमास को हरा नहीं पाएंगे MVP को टैग मिलेगा MVP को स्पीयर पड़ा एक ही बारे में हो जाएगा काम तमाम. इसलिए शायद मैं इस मैच में जो विनर पिक रखूंगा वो बॉबी लैशली के साथ रहेगी और शायद जो MVP है इस मैच में एक तरह का बकरा बनने वाले हैं और उनको हमें पिन होता हुआ नजर आएगा. शो पर एक और इंस्टेंट क्लासिक ट्रिपल थ्रेड एक्शन होगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए द ईएसटी ऑफ WWE बियांका बेलेयर
अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का एंड बिग टाइम बैक द मैन बेकी लेंच के खिलाफ। और ये मैच एक देखने लायक मैच होने वाला है, एक ऐसा मैच होने वाला है अगर आपने हेल इन अ सेल में ये मैच मिस कर दी तो भैया सारी चीजें मिस कर दी। तीन कमाल की फीमेल टैलेंट आपस में फेस करेंगी उस रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। और टू बी ऑनेस्ट ये मैच भी मेरे लिए काफी अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा हो सकता है आस्का ने वापसी की तो आस्का को मोमेंटम मिलता हुआ नजर आए, कहीं ना कहीं बेकी का हल्का सा कम चांस है। तो इस मैच में मेरी विनर प्रेडिक्शन रहेगी, मैं लाइन वाइज करने वाला हूं, लाइन वाइज इन द सेंस मैं नंबर वन के ऊपर बियांका बेलेयर को रखूंगा, नंबर टू के ऊपर आस्का को और नंबर थर्ड के ऊपर रखना चाहूंगा बिग टाइम बैक द मैन बेकी लिंच को। मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे लगता है बियांका बेलेयर रिटेन ही करने वाली है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है जो आस्का है, क्या वो अनएक्सपेक्टेड वे में न्यू रॉ वुमेन चैंपियन बन पाती है या फिर नहीं। अब बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में, कमाल का मैच चैप्टर थर्ड ऑफ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स, लेकिन 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 इस बार ये होने जा रहा है इनसाइड हेल इन अ सेल। अब हेल इन अ सेल का ये जो मेन इवेंट मैच है वो कहीं ना कहीं मेन इवेंट होना डिजर्व करता है। रेसलमेनिया बैकलैश, रेसलमेनिया दो प्रीमियम लाइव इवेंट, दोनों बार कोडी रोड्स ने हराया सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। अब देखना ही होगा हेल इन अ सेल में ये 3-0 होने वाला है या फिर 2-1 होने वाला है। अगर सेथ रॉलिंस विक्ट्री हासिल करते हैं तो फाइनली वो कोडी रोड्स को भी हरा देंगे। ऊपर से मैच हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है तो इस मैच की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेवल है वो एकदम अलग लेवल का है। काफी लोग कह रहे हैं फीड आ सकते हैं मैच में, काफी लोग का माना कोई ना कोई इंटरप्शन होगी, काफी लोग का माना है मैच क्लीन वे में एंड होगा, लेकिन जो मेरी पिक रहेगी इस वाले मैच के लिए वो द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है जो सेथ रॉलिंस है जैसे मर्जी जीते, डिस्ट्रैक्शन डिस्क्वालिफिकेशन तो हो नहीं सकती है ना, या फिर कोई भी और मेथड से, लेकिन मैच में भैया जो जीत है वो सेथ रॉलिंस की होगी और फाइनली कोडी रोड्स को उनकी WWE की पहली हार मिलेगी एक इंस्टेंट क्लासिक मेन इवेंट के अंदर जब सेथ और कोडी का होने वाला आमना सामना। तो भाई ये थी मेरी हेल इन अ सेल 2022 के रिजल्ट प्रिडिक्शन वाली वीडियो। अब ये कुछ मेरी प्रिडिक्शन है, लेकिन अपनी जो प्रिडिक्शन है जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। सीरियसली बता रहा हूँ ये जो मैच कार्ड है मुझे काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है, काफी सारे ऐसे मैचेस जहां पर लग रहा है भाई ये नहीं वो जीत सकता है, वो नहीं ये जीत सकता है। तो देखते हैं कल हेल इन अ सेल है, कल मजेदार शो होने वाला है, लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर सभी अपने प्रेडिक्शन जरूर बताना। बाकी मैचेस की छोड़ो, लेकिन कोडी वर्सेस सेथ में कौन सा पिक करने वाले हो। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।